गुड मॉर्निंग सर। अच्छा आप यहाँ पे उनके लिए आए हैं एज असिस्टेंट मैनेजर? यस सर। तो आपका मैं सीवी देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सीवी है आपका, काफ़ी जगह पे आपने काम किया है। तो हम पहले आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, क्या करते थे, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, बताइए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम नंदवीर खत्री। ओके। मैं नेपाल से रहने वाला हूँ। ओके। और लास्ट तक 2000 से मैं ये लाइन में यहाँ पर होटल इंडस्ट्रियल और ये होटल इंडस्ट्रियल और कैटरिंग इंडस्ट्री मिला के मतलब अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया? मैं होटल से किया था। कौन सी होटल? फर्स्ट होटल में जामनगर में रेजिडेंसी होटल करके था। अच्छा। वहाँ से ये जो मैं रुम्बई का उसमें जब स्टार्ट किया, उसके बाद वहाँ पर जब करते करते मैं रूम सर्विस का सुपरवाइजर के पोजीशन में भी काम किया है। देन उसके बाद मैं होटल फॉर्चून के लिए 2009 में अपने एजेंसी में कितना साल काम किया? मैं कम से कम 4 से 5 साल काम किया सर वहाँ पर होटल एजेंसी। उसके बाद फिर मैं होटल फॉर्चून पैलेस में गया। ठीक है। 2009 में होटल फॉर्चून पैलेस उसको मोबिलाइजेशन हम लोग ने किया। हाँ, मोबिलाइजेशन किया उसको। मैं ये थे वहाँ पर हाउसकीपिंग इंचार्ज के उसमें गया था। मैं वहाँ पर हाउसकीपिंग इंचार्ज के पोजीशन में मैं था। और वहाँ पर नीचे बेसमेंट से लगा के ऊपर टॉप जो लॉन्ड्री वगैरह ये सब कुछ गेस्ट अगर होंगे ये सब। मेरे हिसाब से हाउसकीपिंग और लॉन्ड्री दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट है। नहीं, लॉन्ड्री का सब कुछ उसका सब ये मशीन वगैरह हाइजीन वहाँ पर हाउसकीपिंग मशीन पर हाइजीन की क्या जरूरत है? मशीन तो अपने आप हाइजीन है। नहीं, मशीन है उसका हाउसकीपिंग वगैरह सब कुछ। मशीन का हाउसकीपिंग कैसे करते हो? मशीन का नहीं, वो फ्लोर का जो ये एरिया का फ्लोर एरिया का सब चीज़, वो इवन ड्रेस बेसमेंट ये सब चीज़ मैं देखता था वहाँ पर। और मेरे अंदर में एक सुपरवाइजर भी था। अच्छा। और स्टाफ कितना था आपके अंदर? मेरा अंडर में था कम से कम 17-18 स्टाफ था सर वहाँ पर उस समय के बाद। बताइए। उसके बाद वहाँ से छोड़ के मैं होटल अंजल ब्रोकिंग ग्रुप 3-स्टार ये अमरेली में काम किया। फॉर्चून में? फॉर्चून में मैंने खाली 6 महीना काम किया सर वहाँ पर। क्या रीज़न था छोड़ने का? मेरा अंडर का जो टीम था वो पहला यूनियन क्रिएट किया था वहाँ पर, यूनियन बाजू वाला टीम था वो। अभी होटल का जो ओनर है, होटल का ओनर ने एक दिन मेरे को ऑफिस में बोला है, देखो नंदू ऐसा ऐसा है बात। तो मैं तो उनको जानता नहीं था उनका क्या इशू था क्या नहीं था वो मेरे नहीं, बट आप तो अगर सुपरवाइजर लेवल पे तो आप अपने स्टाफ का जानते होंगे। स्टाफ का जानता हूँ, लेकिन वहाँ मेरा परिजन में जब मैं काम कर रहा था और मैं करवा रहा था काम, तब मेरा जो है मेरा ऊपर जो उनका रिस्पॉन्स था वो बराबर था। लेकिन उससे पहले ये लोग ने होटल कीर्ति करके फॉर्चून पैलेस वालों का एक 3 बत्ती जामनगर में होटल कीर्ति करके दी वहाँ पर। वो कीर्ति में ये लोग ने बीच में एक बार ये लोग ने यूनियनबाजी किया था और वो 100 स्टाफ वहाँ पर भी ज्वाइन किया वो लोग ने। और मैं नहीं जानता था कि वहाँ पर वो लोग ने यूनियनबाजी किया था, यूनियन क्रिएट किया था उधर। वो सेट में जो है अच्छी भाई करके अभी भी वहाँ पर, उन्होंने एक दिन मेरे को ऑफिस में बुलाया कि नंदू देखो ऐसा ऐसा है, ये अभी जो कृत्य में ये लोग ने किया है ये स्टाफ है और इनको हम निकालना चाहते हैं। ये होटल फॉर्चून पैलेस और वो कृत्य ये आसमान धरती के बैठे डिफरेंस इतना है। इसमें एक बार ऐसा कर दिया किसी ने, होटल का करियर डाउन हो गया तो मतलब उसको ऑफ करना बहुत मुश्किल है। हम समझ गए, आपने छोड़ दिया, चलो आगे बढ़ते। वो चीज़ नहीं छोड़ दिया, ये चीज़ नहीं, वो उसका यहाँ पर ये है रीज़न। वो लोग ने बोला कि इनको निकालना और फ्रेश स्टाफ हम देते हैं और उसको ट्रेन करना आपको और प्लस एक सुपरवाइजर भी। तो आपने क्यों छोड़ दिया फिर? वो लोग बाहर निकले, बाहर निकल के मेरे को बोल रहे हैं कि तुम अंदर एसी का मजा ले रहे हो। बाद में फिर उस समय का जो है ये माइंड भी उसी पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ, वो चीज़ बाद में मेरे को पता चला। उसके बाद मैं यहाँ से गया काम वहाँ पे अंजल ब्रोकिंग ग्रुप होटल अमरेली 3-स्टार होटल। तो आप जामनगर से फिर अमरेली से फिर वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पर मैं हाउसकीपिंग सुपरवाइजर में गया उधर। कितना साल काम किया उधर? वहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं किया, 2-3 महीने वहाँ पर किया। उसके बाद ये होटल फॉर्चून पैलेस का जो GM था वो मुंद्रा। तो आप वापस होटल फॉर्चून में आ गए? नहीं नहीं, मुंद्रा गया फिर। कहाँ पे? मुंद्रा होटल एवेन्यू प्लाजा करके एक होटल गेस्ट हाउस था उसमें। वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पर भी हाउसकीपिंग इंचार्ज में गया। 45 रूम का कैपेसिटी का था वो प्रॉपर्टी, वहाँ पर गया। वहाँ पर जाके वो उनका अभी मेरे को पता नहीं था, वो लोग ने तो मेरे को ऑफर किया। आपको क्या पता नहीं था? यहाँ होटल फॉर्चून पैलेस से वो होटल में जो GM था और एग्जीक्यूटिव शेफ था ये लोग ने यहाँ से कुछ करप्शन करके मतलब यहाँ से लेफ्ट हुए थे वो सिस्टम से यहाँ से बाकी गए थे। उसके बाद वो लोग ने मेरे को बोला सेम सैलरी जो होटल फॉर्चून में मिल रहा था वो हम यहाँ पर दे दिया, आ जाओ करके उधर बुलाया। मैं गया बाद में, फिर वो पकड़ में आ गया था यहाँ से होटल फॉर्चून पैलेस वाले पुलिस वाले लेके वहाँ पहुँच गया। मैं ज्वाइन किया कम से कम 3-4 महीने के बाद उसको पकड़ लिया वहाँ पर। उसके बाद में फिर मेरे आया यहाँ कुंभा लिया वहाँ से।
मेरा ऊपर तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं निर्दोष था। नहीं नहीं, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं। जो मैं आया होटल होटल ये पाँच सूर्य करके यहाँ पर कुंभालिया में था, वहाँ पर आया। उसके बाद इसमें क्या करते थे? मैं किचन सुपरवाइजर में किया। अच्छा, आप हाउसकीपिंग से किचन में चले गए? मैं दोनों सर्विस में भी करता था, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का काम भी करा था। उसके बाद यहाँ पर मैं आया इधर यहाँ पर। आपका करियर तो रूम बॉय से हाउसकीपिंग सुपरवाइजर तक पहुँचा, और आप किचन में कैसे? मैं किचन सुपरवाइजर का भी किया ना सर यहाँ पर। वो कहाँ पे किया? होटल रेजेंसी में। मैं बोला किचन किचन सुपरवाइजर का ड्यूटी वहाँ पर मैं मेरा प्रमोशन हुआ ना। किचन सुपरवाइजर में क्या करते हैं? किचन सुपरवाइजर में मैं ये माल मटेरियल मंगाना है, स्टॉक वगैरह चेक करना है। उसके बाद वहाँ पर तो स्टोर कीपर करता है। स्टोर कीपर वहाँ पर नाइट का, मैं नाइट का वहाँ पर था। रूम का गेस्ट का ऑर्डर पकड़ देना, बिलिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ बिल प्रिंट आउट करना, वही चीज़ मैं ले रहा हूँ। कितना साल काम किया अम्बालिया में? कम से कम एक डेढ़ साल काम किया। एक डेढ़ साल उसके बाद सीधा एस आर में आया था। यहाँ पर पहले कंपास कंपास आए थे 2011 में। कंपास आए कंपास का टाइम में वो यहाँ पर नहीं, आप यहाँ पर नहीं बैठा ना यहाँ। मैं यहाँ कंपास, ये कंपास का टाइम में ये एस आर वेल लिमिटेड में उसमें आया ना यहाँ पर 2011 फरवरी में। मुझे नहीं पता, 2011 फरवरी में यहाँ पर आया कंपास में रिफाइनरी में, ये एस आर का टाइम पे। उसके बाद 2011 से कौन से पोस्ट में? मैं ये वो सुपरवाइजर का, एफएमपी सुपरवाइजर का पोस्ट। उसके बाद 2011 से 13 दिसंबर तक मैं यहाँ पर रहा। अच्छा, फिर 13 दिसंबर को यहाँ से फिर कंपास में मेरे को जनरल मोटर हालोल में ट्रांसफर किया। अच्छा, एक साल काम अच्छा था तो इसलिए आपको वहाँ से जनरल मोटर 2014 में मैंने पूरा एक साल वहाँ पर किया। वापस फिर मेरे को यहाँ पर डिमांड किया, यहाँ पर चाहिए करके यहाँ पर आया। हमारा उस समय यहाँ पर डिमांड था, यहाँ ये सर वही किसने डिमांड किया? यहाँ पर कौन साहब थे? रणबीर साहब थे, वो स्पेशल रणबीर साहब ने मेरे को यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा दो साइड गुजरात में, ये साइड में इधर यहाँ पर जामनगर में दो साइड थे, रिलायंस एम ए बी हमारा मतलब ये कंपास का, उसमें कंपास का रिलायंस में एम ए बी कैंटीन था और यहाँ पर एस आर ओ एल था, दो साइड थे। फिर सुजय बंडोपाध्याय वहाँ पर यूनिट मैनेजर थे कंपास के, वहाँ पर एम ए बी के यूनिट मैनेजर थे उसमें। वो छुट्टी पर गई एक महीना। फिर मेरे को यहाँ से पवन साहब ने बोला कि नंदू मेरे को पवन साहब ऑपरेशन सीनियर ऑपरेशन मैनेजर थे उसमें। कौन साहब ने बोला कि नंदू एक महीने के लिए मेरे को वहाँ एम ए बी में चाहिए करके, वहाँ पर एक महीना मैंने वहाँ पर निकला। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर आया 2016 तक हमारा कंपास का साइड यहाँ पर चला। हमारा किसका? हमारा नहीं है बॉस, हमारा नहीं था, हमारा नहीं था वो कंपास का साइड। कंपास का साइड 2016 जून तक यहाँ पर चला। अच्छा, जुलाई में फिर मेरा ट्रांसफर हुआ यहाँ से आलोल सी ए टायर में। अच्छा, बढ़िया है। 2016 से 18 तक कंपनी थी वो, कंपास ही कंपनी थी वहाँ पर, कंपास ही था। मैं कंटिन्यू था उस समय। अच्छा, कंपास में 2011 से 18 तक मैं कंटिन्यू था कंपास में। फिर यहाँ से 2016 में सी ए टायर आलोल में गया। अच्छा, 2018 तक मैं वहाँ पर रहा। अच्छा, फिर 18 इन टाइम में यहाँ पर वापस एस आर ऑयल में आया। फिर एस आर ऑयल में कौन सी कंपनी में? यहाँ पर आई सी एस। क्यों ऐसा आपने कंपास छोड़ दिया? कंपास में तो अपना इतना अच्छा जर्नी था आपका, और आप फिर आई सी एस में आ गए, क्या रीजन? कंपास का वहाँ पर साइट टूट गया सर। दूसरा अभी उस समय वहाँ पर साइट चला गया था। हाँ, साइट चला गया। आपको ट्रांसफर नहीं दिया? ट्रांसफर भी नहीं हुआ उस समय। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट भी जो जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर क्लाइंट के साथ भी अच्छा, क्लाइंट के साथ भी अच्छा लिंक अच्छा था। हाँ, क्लाइंट ने यहाँ पर खाना वाना खिलाते थे क्लाइंट को? खाना वाना खिलाना वो हमारा काम नहीं, खाना तो खिलाना काम हमारा ही था, लेकिन पे करके खाते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर जब 2000 कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस में यहाँ पर एसकेएफएस कंटिन्यूस ये सर आईसीएस 2020 अगस्त तक यहाँ पर था मैं कंटिन्यूस उसी कंपनी आईसीएस में था। आईसीएस के बाद फिर 2020 सितंबर 1 को ये एसकेएफएस आई। तो तुमने आईसीएस में फिर तुमने 2020 तक किया? हाँ, 19-20 मैंने दो साल किया उस समथिंग। फिर छोड़ दिया? छोड़ दिया मीन्स मेरे को एसकेएफएस ने फिर वहाँ पर, यहाँ पर भी क्लाइंट का थोड़ा सपोर्ट भी था, तो क्लाइंट ने बोला मतलब क्लाइंट के सपोर्ट की वजह से तुम एक जगह पे टिके रहे हो। क्लाइंट ने मेरा वो तो मेरा वो परफॉर्म के ऊपर है। क्या परफॉर्मेंस है आपका? परफॉर्मेंस समझ में ही नहीं आया मेरे को। आप रूम बॉय से हाउसकीपिंग में बने, हाउसकीपिंग से आप किचन सुपरवाइजर बने, फिर एफएनबी वाले बने, फिर आप एफएनबी सुपरवाइजर बने, फिर आप सी ए टायर गए, फिर आप इधर वापस आए आईसीएस में। उधर क्या थे आईसीएस में? आईसीएस में मैं असिस्टेंट मैनेजर था। अभी एसकेएफएस में क्या हुआ? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पे क्या करते हो एसकेएफएस में? अभी बताओ करंट प्रोफाइल क्या है आपका? करंट प्रोफाइल में ये असिस्टेंट मैनेजर का। यदि क्या होता है? क्या यदि क्या होता है? ये जी नहीं, ये जी एजे में असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन में हूँ अभी एसकेएफएस में। हाँ, अभी मेरा काम क्योंकि आप बहुत ही अच्छा आपका ग्राफ देख रहा हूँ, आप नीचे से उठे हो
और अभी तक ऊपर ही रहे हो, मतलब एक अच्छा ग्राफ है कि आप रूम बॉय से असिस्टेंट मैनेजर बन गए। अभी आप बताइए असिस्टेंट मैनेजर में आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे थे कि अभी जो भी फ्रेश बंदे जो भी आते हैं हमारा साइड में, यहाँ पर जो भी फ्रेश बंदे आते हैं उनको ट्रेन करना, उनको ब्रीफ वगैरह करना, उसके बाद अपना साइड का इंडक्शन इंडोटेक्शन वगैरह करवाना। इंडक्शन? अच्छा, हाँ इंडक्शन। नहीं, वो सब तुम्हारा काम नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर का काम नहीं होता। यहाँ पर हम सुपरवाइजर को ब्रीफ करते हैं, अच्छा। टीम को ब्रीफ करते हैं, अच्छा। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक्टिविटी किस टाइप की होती है। तुम्हारा डे स्टार्ट कैसे होता है? सॉरी, डे स्टार्ट कैसे होता है? डे स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर जब ड्यूटी पर आते हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, डे स्टार्ट ड्यूटी पर आते हैं, हम ड्यूटी पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पंचिंग वाला सिस्टम है, यहाँ पर वो पंचिंग करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर नोटिस बोर्ड है, अंदर ऑफिस में नोटिस लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड में क्या है आज का लेटेस्ट वो चीज़ चेक करते हैं। उसका बेस में हम सुपरवाइजर को इकट्ठा करके ब्रीफ करते हैं और आज का काम जब क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहाँ पर सुपरवाइजर को जो प्रोफाइल है जिसका भी है जो भी है अपना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर देते हैं। उसके बाद वापस वो ब्रीफिंग रहता है, देन वापस उनका ड्यूटी और से खत्म होता है तो वापस फिर उनको इकट्ठा करके डीब्रीफिंग भी करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, आप डीब्रीफिंग, आप सीधा डीब्रीफिंग पे आ गए, बीच में आप जो करते हो काम वो क्या है? सर वही तो बोला मैं, यू आर रिपोर्टिंग टू हूम? वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले आप ब्रीफिंग करते हैं, हम लोग बोर्ड को देखिए, पहले ब्रीफिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पर आइए जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना अपना काम स्टार्ट हो गया, सबको काम बांट दिया हमने, उसके बाद उनका ड्यूटी और अन ड्यूटी और से के अंदर जो भी काम हुआ है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर क्या हुआ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप किसको रिपोर्ट करते हो? मैं मेरा बॉस को। कौन आपका बॉस? मेरा बॉस रणवीर सिंह। नहीं नहीं, रणवीर सिंह को मैं नहीं जानता ना, आपका कौन है ऊपर? मेरा बॉस है। अरे बॉस तो सबके है वो, बट कौन है वो आपका? मेरा बॉस जो है रिपोर्टिंग बॉस है मेरा। रिपोर्टिंग बॉस रणवीर सिंह, मैं समझ गया, वो तो नाम है उसका, कौन सा पोजीशन है उसका? उनका प्रोजेक्ट हेड है यहाँ पर। मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं, प्रोजेक्ट हेड है, साइट का इंचार्ज है वही है, तो मैं मेरा रिपोर्टिंग बॉस वही है, मैं उनके रिपोर्ट करता हूँ। जहाँ पर भी मेरे को कंफ्यूजन लगता है कि ये करने से गलत हो सकता है तो मैं जाके वहां पर क्लियर करूंगा। वो सब मैंने सुन लिया, आपका डिस्क्रिप्शन में समझ गया, बट आप जो पूरा दिन काम क्या करते हो वो बताओ, अभी तक मेरे को आपका काम नहीं समझ में आ रहा। काम नहीं समझ? आप बोलते ज्यादा हो, बट काम का बताया नहीं। हंसने का क्या? हमारा काम ये है सर। हमारा नहीं है, मैं आपके साथ काम नहीं करता। हमारा मींस मेरा खुद का प्रोफाइल, मैं जब ड्यूटी पर आता हूँ तो कोई भी हमारा सर्विसेज जो स्टार्ट होती है उसके बाद वो सर्विसेज जब तक चलती है उसका वहाँ पर बीच में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी होती है, उसके बाद क्या कंप्लेंट्स वगैरह आता है। अच्छा, तो मतलब आप अगर मैं एक ब्रॉड वे पे सिंपल आंसर में पूछूँ तो आप पूरा ऑपरेशन हैंडल करते हैं? यस, राइट। ओवरऑल ऑपरेशन आप हैंडल करते हैं और आप रिपोर्ट करते हैं रणवीर सिंह जो आपके प्रोजेक्ट हेड है, ठीक है? अच्छा, तो स्टोर का कौन देखता है? स्टोर का ये है सोपन करके। आपको नॉलेज है स्टोर का? क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर एक ऐसा लेवल होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उसको सबका नॉलेज होता है। स्टोर का मोटा मोटी नॉलेज तो है। मोटा मोटी क्या होता है? मोटा मोटी जैसे कि जो रिसीविंग मटेरियल वगैरह है, जो मटेरियल हम ऑर्डर कितना करते हो डेली? इंडियन डेली सेल कितना है आपका? डेली का सेल अभी वो तो डेली फूड कॉस्ट कितना है आपका? नहीं, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर के रोल में ये सब आता है, क्योंकि आप नेक्स्ट टू आप यूनिट मैनेजर हो, ठीक है? तो अगर आप यूनिट मैनेजर के नेक्स्ट टू हो तो जितना यूनिट मैनेजर को आता है उससे थोड़ा सा कम तो आपको आना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो स्टोर का साइट का ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। आपको आता है? नहीं, उसमें फूड कॉस्ट कैसे निकाला जाता है? आता है उसमें मैं क्वेश्चन करता हूँ, फूड कॉस्ट निकालना आता है आपको? डेली आप ट्रैकिंग करते हो सेल कितना हुआ, कितना वेस्टेज हुआ? वेस्टेज का पता चल जाता है? नहीं, पता चल जाता है नहीं, आपको ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग फूड कॉस्ट कितना चलता है वो ट्रैकिंग नहीं है, सेल का ट्रैकिंग नहीं है, तो आपका नंबर्स लो है मेरे हिसाब से। आप मैन पावर मैनेजमेंट में अच्छे हो, ठीक है, आप बोलने में अच्छे हो, ठीक है, आपका क्लाइंट गेस्चर अच्छा है, बट अगर ये इंडस्ट्री में आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नंबर का नॉलेज है तो मैं आपको चांस दे सकता हूँ यूनिट मैनेजर का, नहीं तो आपको फिर मैं अपनी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब दूँगा। आपको ओके है? ये सर, आगे का जो आप बता रहे हो तो वो उसमें भी हम फाइट करेंगे सर, वहाँ पर भी फाइट नहीं करना है, इधर फाइट नहीं करना है, इधर फाइटिंग है ही नहीं, इधर फाइटिंग ये है कि आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल के हो। अगर मैंने समझो मेरा एक गेस्ट हाउस है VIP रिलायंस में, तो वहाँ पे एक असिस्टेंट मैनेजर मतलब एक बहुत बड़ा प्रोफाइल होता है, तो अगर मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर में लूँगा तो आपको ऑपरेशन नॉलेज बहुत अच्छा है, आप किसको कैसे पटाना है, कैसे ऑपरेशन करना है, बंदों को कैसे मैनेजमेंट करना है, यू नो, वो तो एक सुपरवाइजर भी कर लेगा। बट असिस्टेंट मैनेजर का जो काम होता है इट्स नेक्स्ट टू यूनिट मैनेजर। सो बेसिकली
जितना नॉलेज यूनिट मैनेजर के पास समझो 100%